नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सपना होमस्कूलिंग चैनल में। आज हम नौवीं कक्षा का जो लेसन है जूलिया, आप सबने वो लेसन पढ़ा ही होगा, उसके जो प्रश्न है उसे भाषा बिंदु में जो प्रश्न दिए गए हैं, नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखे तथा वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाई, यह प्रश्न हम यहाँ पे लिखने वाले है, उसके जवाब लिखने वाले है। नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी आहे सपना टीचर। आज अपन भाषा बिंदूचा प्रश्न सोडवणार आहोत। तर भाषा बिंदू मध्ये आपल्याला चिन्ह दिलेले आहेत, आता या चिन्हाची नावं आपल्याला लक्षात ठेवायची आहेत आणि ते वाक्य दिलेले आहेत, या वाक्यांना नेमकी या चिन्हांपैकी कोणती चिन्ह लागू पडतील ते आपण आता इथं उत्तर लिहिणार आहोत। सबसे पहिलं चिन्ह आता है, इसको नाम है योजक चिन्ह। दूसरा है चिन्ह, उसका नाम है लाघव संक्षेप चिन्ह, वो जो टिम्ब के स्वरूप में आता है। और दूसरा है निर्देशक चिन्ह। ये दोनों चिन्हातला मूलभूत फरक है कि एक चिन्ह जो योजक चिन्ह है ते छोटे आणि निर्देशक चिन्ह है मोठा आहे। बड़ा कोष्टक ये जे महिरपी कंस है, हा काय है, बड़ा कोष्टक है, हा कंसातला, इसको बड़ा कोष्टक कहते हैं। पांचवा है दोहरा अवतरण चिन्ह, अपन ज्याला दुहेरी अवतरण चिन्ह म्हणतो तेच दोहरा अवतरण चिन्ह। छह नंबर का है अल्पविराम, ज्याला आपण स्वल्पविराम म्हणतो ते अल्पविराम है। अगला है विस्मयादी बोधक चिन्ह, उद्गार वाचक चिन्ह। पुढे आहे अर्धविराम, जे टिंब आणि खाली स्वल्पविराम स्वरूपात असतं त्याला म्हणतात अर्धविराम। अगला है छोटा कोष्टक, जे कंसात आपण लिहितो ना तो कंसातले म्हणतात छोटा कोष्टक। और अगला है दस नंबर का है पूर्णविराम, आपण पूर्णविरामला टिंब देतो, पूर्णविरामला हे काय कहतात दंडक देतात, उभी रेष, त्याला बोलतात पूर्णविराम। आता जी वाक्य है त्यांना कोणती कोणती यातली चिन्ह लागतात बघा। पहिलं वाक्य है स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक ने क्या विचार थे, तो इथे क्या आले त्यामुळे प्रश्नचिन्ह येणार आहे। अगला है शाम तुम आ गए, तर इथे उद्गारवाचक चिन्ह म्हणजेच विस्मयादी बोधक चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। और उसके आगे मोहन बोला, मोहन बोला स्वल्प विराम, उसके आगे दोहरा अवतरण चिन्ह, तुमने जो कुछ कहा ठीक है, ये है पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह। इसमें यदि बोध यहाँ पे हमने दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण करना है। अगला है जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, यहाँ पे दो चिन्ह का उपयोग किया गया है, एक है अर्धविराम और अगला है पूर्ण विराम। पांचवा वाक्य है भरत भैया ऐसा ना कहो, तो यहाँ पे भरत भैया के बाद में आता है अल्पविराम और ना कहो के बाद में आता है पूर्ण विराम। छठा वाक्य है अरे, अरे के बाद में आएगा विस्मयादि बोधक और उसके बाद में आएगा मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, तो यहाँ पे सवाल पूछा है इसलिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रश्न चिन्ह। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद के बाद में आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। और आठवा के इसके अलावा तुमने तीन छुट्टियां और ली है, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इसलिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह। अच्छा, अच्छा बोलने के बाद आएगा इसमें आदि बोधक चिन्ह और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं, तो अंत में आएगा पूर्ण विराम। दसवा वाक्य है आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, इस वाक्य में सिर्फ और सिर्फ पूर्ण विराम है। तो इस तरीके से हमने सभी वाक्यों के लिए यहाँ पे चिन्ह दिए हैं, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाए हैं। आपको परीक्षा में इस तरह से सवाल आएंगे कि उचित जगह पे विराम चिन्ह लगाइए। तो वीडियो यहाँ पे ही खत्म होता है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थैंक्स बटन दबा के हमें प्रोत्साहन दीजिए। धन्यवाद।